हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल आज की इस वीडियो में हम ब्लड चैप्टर से एक टॉपिक इम्पॉर्टेंट टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है प्लाज्मा प्रोटीन एंड देयर फंक्शन तो सबसे पहले हम जानेंगे प्लाज्मा प्रोटीन क्या होते हैं प्लाज्मा प्रोटीन होते हैं जो प्रोटीन प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं तो कौन होता है प्रेजेंट सीरम एल्ब्यूमिन सीरम ग्लोबिलिन और फाइब्रोनोजन सीरम जो होता है उसमें हमारा फाइब्रोनोजन नहीं होता सीरम में सिर्फ ग्लोबिलिन और एल्ब्यूमिन ही प्रेजेंट होता है सीरम क्या होता है प्लाज्मा प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर अगर हम कर देते हैं तो हमें सीरम मिलता है तो क्लॉटिंग फैक्टर ही फाइब्रोनोजन होता है इसीलिए सीरम में फाइब्रोनोजन एबसेंट होता है नॉर्मल वैल्यू की अगर हम बात करें तो टोटल प्रोटीन की वैल्यू ज़्यादा से ज़्यादा आपको याद रखने की कोशिश करना है कि सेवन पॉइंट थ्री ग्राम पर डेसी लीटर या फिर हम सिक्स टू एट ग्राम पर डेसी लीटर भी हम इसको लिख सकते हैं तो आप सिक्स टू एट ग्राम पर डेसी लीटर याद रखिए कि नॉर्मल प्लाज्मा में इतना प्रोटीन प्रेजेंट होता है एल्ब्यूमिन फोर पॉइंट सेवन ग्राम पर डेसी लीटर ग्लोबिलिन टू 2.3 ग्राम पर डेसी और फाइब्रोनोजन 0.3 ग्राम पर डेसी इसके बाद हम बात करेंगे एल्ब्यूमिन ग्लोबिलिन रेशियो तो एल्ब्यूमिन ग्लोबिलिन कितना प्रेजेंट है इनका रेशियो टू पॉइंट टू टू वन होता है और एल्ब्यूमिन ग्लोबिलिन रेशियो एक इंपॉर्टेंट इंडिकेटर है कुछ डिसीज में जैसे कि लिवर या किडनी डिसीज हो तो उसमें ये अल्टर हो जाता है अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन तो सबसे पहले हम देखेंगे मोलिकुलर वेट तो आप यहाँ देख सकते हैं मोलिकुलर वेट में सबसे ज़्यादा मोलिकुलर वेट फाइब्रेनोजेन का है एज़ कंपेयर टू एल्बुमिन एंड ग्लोबिलिन ऑंकोटिक प्रेशर ऑंकोटिक प्रेशर क्या होता है और किस तरह से ये एग्जर्ट करता है प्लाज्मा प्रोटीन रिस्पॉसिबल होते हैं ऑन्कोटिक प्रेशर या फिर ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर एक्जर्टेड बाय प्रोटीन इन द प्लाज्मा इज कॉल्ड एज कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर जो कि नॉर्मली 25 फाइव एम होता है और एल्बुमिन प्ले करता है इंपॉर्टेंट रोल या फिर मेजर रोल इन एक्जर्टिंग ऑन्कोटिक प्रेशर नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ग्रेविटी प्लाज्मा प्रोटीन की स्पेसिफिक ग्रेविटी होती है वन नेक्स्ट इज बफर एक्शन बफर एक्शन क्या है कि एक कांस्टेंट पीएच को मेंटेन करके रखना या फिर एक्सेप्टेंस ऑफ हाइड्रोजन आयन इज कॉल्ड इज बफर एक्शन प्लाज्मा प्रोटीन हैव वन बाय सिक्स ऑफ टोटल बफरिंग एक्शन ऑफ द ब्लड ठीक है नेक्स्ट इज ओरिजिन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन तो एम्ब्रियोनिक लाइफ में और एडल्ट लाइफ में प्लाज्मा प्रोटीन कहाँ से बनता है तो इन एम्ब्रियोनिक स्टेज द प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथिसाइज बाय द मीजिन सेल द एल्बुमिन द एलब्यूमिन इन सिंथिसाइज फर्स्ट एंड अदर टू प्रोटीन आर सिंथिसाइज लेटर इन एडल्ट प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथिसाइज मेनली फ्राम रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल ऑफ लिवर किससे बनता है रेटिकुलो एंडोथीलियल सेल ऑफ लिवर और प्लाज्मा प्रोटीन आर सिंथिसाइज ऑल्सो फ्राम स्प्लीन बोन मैरोग्रेटिंग ब्लड सेल्स एंड जनरल टिश्यू सेल गामाग्लोबिलन सिंथिसाइज होता है बीटा लिम्फोसाइड से भी नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन प्लाज्मा प्रोटीन आर वेरी इसेंशियल फॉर द बॉडी फॉलोइंग आर द फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन सबसे पहला रोल इन कोगुलेशन ऑफ ब्लड फाइब्रोनोजन एक इसेंशियल है फॉर द कोगुलेशन ऑफ ब्लड नेक्स्ट इज रोल इन डिफेंस मैकेनिज्म ऑफ बॉडी तो गामा ग्लोबुलिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है डिफेंस मैकेनिज्म बाय एक्टिंग एज अ एंटीबॉडी इम्यून सब्सटेंस की तरह काम करता है और ये प्रोटीन को हम क्या कहते हैं इम्यूनोग्लोबुलिन कहते हैं Role in transport mechanism, plasma protein are essential for the transport of various substances in the blood. Albumin, alpha globulin, and beta-globulin are responsible for the transport of hormones, enzyme etc. The alpha and the beta-globulin plays important role in the transport of metal ions in blood. रोल इन मेंटेनेंस ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर इन द ब्लड एट द कैपिलरी लेवल ज्यादातर सब्सेंस एक्सचेंज होते हैं बिटवीन द ब्लड एंड द टिश्यू हावेवर बिकॉज ऑफ द लार्ज साइज प्लाज्मा प्रोटीन नहीं पास हो सकते कैपुलरी मेम्ब्रेन से ईजीली और ये ब्लड में ही रह जाते हैं इस वजह से यह प्रोटीन जो होते हैं वो कोलोइडल ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्ट करते हैं ऑस्मोटिक प्रेशर एग्जर्टेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन इज अबाउट ट्वेंटी फाइव एम एम ऑफ एच जी तो ये एक ब्लड में ऑस्मोटिक प्रेशर बना के रखने के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं प्लाज्मा प्रोटीन नेक्स्ट इज रोल इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस प्लाज्मा प्रोटीन पर्टिकुलरली एल्ब्यूमिन ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन रेगुलेशन ऑफ एसिड बेस बैलेंस इन द ब्लड दिस इज बिकॉज़ ऑफ द वर्च्यू ऑफ देयर बफरिंग एक्शन किसके पास बफरिंग एक्शन होता है पर्टिकुलरली एल्ब्यूमिन प्लाज्मा प्रोटीन आर रिस्पांसिबल फॉर 15% ऑफ बफरिंग कैपेसिटी ऑफ द ब्लड हमने प्रॉपर्टीज ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन में भी पढ़ा था बफरिंग एक्शन Next is role in viscosity of blood plasma protein provide viscosity to the blood which is important to maintain the blood pressure albumin provide maximum viscosity than other plasma protein next is role in erythrocyte sedimentation rate ग्लोबिलिन एंड फाइब्रोनोजन एक्सिलरेट द टेंडेंसी ऑफ रोलेक्स फॉर्मेशन रोलेक्स फॉर्मेशन मतलब कि इकट्ठा मतलब एक साथ जब आर बी सी एग्रीगेट हो जाती है उसको रोलेक्स फॉर्मेशन बोलते हैं तो ग्लोबिलिन एंड फाइब्रोनोजन एक्सिलरेट कराता है रोलेक्स फॉर्मेशन को बाय द रेड ब्लड सेल रोलेक्स फॉर्मेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ई एस आर विच इज इम्पॉर्टेंट डायग्नोस्टिक एंड प्रोग्नोस्टिक टूल नेक्स्ट इज रोल इन सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ रेड ब्लड ड्यूरिंग सर्कुलेशन रेड ब्लड सेल रिमेन सस्पेंडेड यूनिफॉर्मली इन द ब्लड ये कौन सस्पेंड कराता है यूनिफॉर्मली उनको प्लाज्मा प्रोटीन दिस प्रॉपर्टी ऑफ द रेड ब्लड सेल इज कॉल्ड ए सस्पेंशन स्टेबिलिटी ग्लोबुलिन एंड द फाइब्रोनोजन हेल्प्स इन सस्पेंशन स्टेबिलिटी ऑफ द रेड ब्लड सेल नेक्स्ट इज रोल इन प्रोडक्शन ऑफ टेलीफोन सब्सटेंस टेलीफोन सब्सटेंस आर नेसेसरी फॉर द नरिशमेंट ऑफ टिश्यू सेल इन कल्चर दीज सब्सटेंस आर प्रोड्यूस बाय ल्यूकोसाइड from the plasma protein and the last is role as reserve protein during fasting inadequate food intake or ina inadequate protein intake the plasma protein are utilized by the body tissue as a last source of energy plasma protein are split into amino acid by the tissue macrophage amino acids are taken back by blood and distributed throughout the body टू फॉर्म सेलुलर प्रोटीन मॉलिक्यूल बिकॉज ऑफ दिस प्लाज्मा प्रोटीन आर कॉल्ड एज रिजर्व प्रोटीन तो ये थे हमारे टेन फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए इस चैप्टर में से भी है एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है फंक्शन ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल बाय बाय